हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री की। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी नोड्स को किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बिना देर किए चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें डिलीशन इन ए बाइनरी सर्च ट्री की, किसी भी बाइनरी सर्च में डिलीशन किस प्रकार से किया जाता है, तो हम अगर आपको बता दें तो यहाँ पे एक थ्योरी लिखी है। इन ए बाइनरी सर्च ट्री वी मस्ट डिलीट ए नोड फ्रॉम द ट्री बाय कीपिंग इन ए माइंड दैट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में जब हम किसी नोड को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज बीएसटी की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर आगे बात करें देयर आर थ्री पॉसिबल सिचुएशन, इसमें क्या हो कि तीन पॉसिबल हो सकती है जिस प्रकार से हम नोट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वो तीनों पॉसिबल सिचुएशंस क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशंस की अगर बात करें तो क्या है कि द नोट टू बी डिलीट इज द लीफ नोड, मतलब हम उस नोड को डिलीट करेंगे जो लीफ नोड बस होती, मतलब सिंगल नोड होगी उसको हम डिलीट करेंगे। और दूसरी कंडीशंस क्या हमारी है, दूसरी कंडीशंस ए है हमारी कि द नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली वन चाइल्ड, ऐसा पेरेंट हो जिसका केवल एक चाइल्ड हो, हम उस नोड को डिलीट करेंगे। और अगली पॉइंट, अगर अगली बात करें जो तीसरी सिचुएशन है या फिर तीसरी कंडीशंस है हमारी, वो क्या है, द नोड है टू बी डिलीटेड हैज टू चिल्ड्रेन, मतलब जो पेरेंट्स नोड होती है उसको डिलीट करने की बात, अगर दो पेरेंट्स नोड है उसको हम किस प्रकार से डिलीट करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप की किस प्रकार से नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर बात करें सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस हमारा क्या था कि लीफ नोड अगर हमको डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। तो लीफ नोड को हम नो चाइल्ड केस के नाम से भी जानते हैं कि अगर जैसे ऐसा आता है कि कोई लीफ नोड है जिसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो क्या हम उसको नो चाइल्ड केस भी बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर हमने मान लिया कि हमको यह 13 को क्या करना है, डिलीट करना है, यहाँ से हमको 13 को क्या करना है, डिलीट करना है। और तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से, अब हमें एक नई बाइनरी ट्री क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या कि नो चाइल्ड केस, ठीक है। नो चाइल्ड केस क्योंकि इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, सिर्फ ये लीफ नोड है, तो इसको हम नो चाइल्ड केस के नाम से भी जानते हैं कि अगर जिसमें लीफ नोड को हमें डिलीट करना होगा उसको हम नो चाइल्ड केस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नोड नो चाइल्ड केस, यहाँ पे चाइल्ड नो केस है। अब डिलीट किसको करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 डिलीट, तो 13 को हमें डिलीट करना है तो हम 13 को डिलीट करेंगे। अब इसका स्टेप क्या होता है कि इसको डिलीट करने की क्या स्टेप्स है, तो इसको अगर डिलीट करने के सिंपल से स्टेप है, सबसे पहले क्या है कि पहले स्टेप की अगर हम बात करें, जो हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप कहता है सर्च द एलिमेंट, सर्च द नोड या फिर एलिमेंट, हम नोड को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगेन सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि सेकेंड स्टेप कहता है डिलीट द नोड, एलिमेंट जो भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसको फाइंड आउट करना है और देन डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना, अब किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्सल करना पड़ेगा या फिर करेंगे, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो तो वहां पे हमें ट्री में दिख रहा है कि सीधे सीधे कि हाँ 13 को हमें डिलीट करना है, लेकिन जब बहुत बड़ी ट्री होगी या फिर कह सकते हैं उसमें लाखों एलिमेंट्स होंगे, तब हम उस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि सबसे पहले जिस नोड को हमें फाइंड आउट करना है, 13 को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे उसको रूट नोड से कंपेयर कराएंगे। रूट नोड के अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट सबट्री में जाएंगे, बड़ा है तो राइट सबट्री में।
तो 13 क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो हम राइट सबट्री में आ गए। फिर 10 से देखेंगे, 10 के पास हम आए, तो 10 से फिर क्या होता है कि 13 बड़ा होता है, तो हम फिर राइट सबट्री में आए। अब लेकिन 40 हो गया, फिर 40 से जब कंपेयर कराएंगे 13 की, तो ये क्या लेफ्ट सबट्री। अब हमें क्या हो गया कि 13 मिल गया, और सिंपली हम क्या करेंगे, नोड को डिलीट कर देंगे। नोड को डिलीट करके कुछ इस प्रकार से फिर हम नई बाइनरी ट्री को क्रिएट करेंगे, और इस प्रकार से क्या होता है कि नो चाइल्ड केस में हम किसी भी एलिमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जल्दी से अपने हम क्या करते हैं, बाइनरी ट्री को क्रिएट कर लेते हैं डिलीट होने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ पे 14, बस 13 तो हमारा डिलीट हो गया। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नो चाइल्ड केस में 13 एलिमेंट को हमने क्या कर लिया कि आसानी से डिलीट कर लिया। अगर आगे बात करें कि जो जिसमें है हमारा सेकेंड केस की अगर बात करें, तो सेकेंड केस हमारा क्या होता है कि द नोड इज नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड मतलब कोई भी ऐसा पेरेंट नोड है जिसके पास क्या है कि वन चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, या फिर कह सकते हैं जिसके पास एक चाइल्ड हो, अगर उसकी बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जितने वन चाइल्ड वाले केस हैं उसको हम देखेंगे, इसको वन चाइल्ड केस के नाम से जानते हैं। जब अब मान लिया हमने कि यहाँ पे हमें वन चाइल्ड वाला केस, हमने मान लिया कि हमें 15 को डिलीट करना है। जब 15 को हमें डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा कि कौन सा रूल इस पर अप्लाई हो रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा, वन चाइल्ड केस अप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने लिख दिया। अब उसके बाद कि डिलीट हमको किस चीज को करना है, तो हमें डिलीट किसको करना है, 15 को। तो यहां पे हम लिखेंगे डिलीट को 15 करना। अब टू स्टेप होते हैं इसमें भी। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि स्टेप जो वन है, स्टेप वन कहता है सर्च द नोड। जिस नोड को हमें डिलीट करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, उस नोड को हमें सर्च करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, सर्च द नोड। हमें नोड को क्या करना है, सर्च करना है। हमने अब क्या किया, नोड को सर्च करेंगे। अब उसके बाद, अब नोड सर्च करने के लिए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में एक डिस्कस किया, अभी हमने बताया। तो यहाँ पे नोड को हम सर्च कैसे करेंगे कि सबसे पहले 15 को हमें सर्च करना है, तो रूट नोड से कंपेयर कराएंगे। तो 15 क्या होता है कि बड़ा होता है, अगर बड़ा होगा तो हम राइट सबट्री में जाएंगे, और छोटा होगा तो लेफ्ट सबट्री में। अगर इक्वल होगा इसके तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में डुप्लीकेट्स नंबर अलाउ नहीं होते हैं। तो हम यहाँ आ गए 12 के पास, 10 से बड़ा 12। अब इसमें फिर सर्च करेंगे, लेफ्ट है या राइट है, ठीक है। तो अब क्या, 12 से बड़ा 15 है, तो 15 हम राइट साइड में, और 15 हमको मिल गया। इस प्रकार से जब 15 मिल गया, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो सेकेंड स्टेप हमारे पास है, तो सेकेंड स्टेप की अगर बात करें, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि डिलीट द नोड एंड रिप्लेस द वन चाइल्ड, या फिर इसके बोल सकते हैं वन चाइल्ड की जगह हम यहां पे इसको लीफ नोड, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, या फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या है कि अगर हमने 15 को डिलीट किया, तो इससे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये जो 13 है 15 की जगह ले लेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं जो बाइनरी ट्री क्रिएट होती है बाद में। जैसे यहां पे क्या हो गया, 10 हमारा था, फिर 5 था, 3 था, लेफ्ट सबट्री में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुए, तो इसको एज इट इज क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ की जो 15 नोड थी, अब वो चेंज होके जो उसका लीफ नोड था, उससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और इस प्रकार से एक नई बाइनरी ट्री बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्या था, 10 थे, तो यहाँ पे 13 था, और यहाँ पे 15। जब हमने 15 को डिलीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये वाली लीफ नोड क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी। जैसा कि हमारा सेकंड कंडीशन कहता है, डिलीट द नोड एंड रिप्लेस वन चाइल्ड, या फिर लीफ नोड से इसको क्या करना है कि हमें रिप्लेस कर
कर देना है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि द नोड इज नॉन लीफ नोड, यानी जिसके पास वन चाइल्ड हो उसको किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सेकंड केस हो गया। अगर आगे बात करें हमारे थर्ड केस के बारे में कि थर्ड केस में हम किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है कि द नोड इज रूट नोड। अगर रूट नोड हो या फिर इसको टू चाइल्ड केस भी बोलते हैं। टू चाइल्ड केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसके पास दो चाइल्ड्स हो उस नोड को अगर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू चाइल्ड केस। टू चाइल्ड केस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें टू चाइल्ड केस का रूल अप्लाई हो रहा है और नोड को किसको डिलीट करना है। अब मान लो हमें, अगर हम मान लो यहां रूट नोड 10 नहीं, हम मान लेते हैं कि हमने 7 को हमें डिलीट करना है, ठीक है, 7 को हमें डिलीट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिलीट 7। 7 को हमें क्या करना है कि डिलीट करना है, 7 को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने से पहले सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि जो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 क्या होता है कि सर्च फॉर द नोड, सर्च के लिए हमें सर्च द एलिमेंट, जो भी नोड्स होगा उसको हमें क्या करना है, सर्च करना है। हमने नोड को क्या किया, सर्च करना है। अब सर्च करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रूट नोड के पास। रूट नोड के पास जाएंगे तो अब रूट नोड से कंपेयर कराएंगे 7 को, 7 को, क्योंकि 7 को हमें डिलीट करना है, तो 7 को हमें ढूंढना है कि इस ट्रे में 7 है कहाँ। तो सबसे पहले छोटा होगा तो लेफ्ट में, और हमें यहाँ पे 7 मिल गया। जब 7 हमें मिल गया तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप होता है वो कहता है कि सर्च फॉर आई प्री या फिर आई पोस्ट, या प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, इसका जो प्रीसेसर और सक्सेसर होता है उसको हमें सर्च करना है। तो उससे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना पड़ेगा। मतलब एक ट्री सीक्वेंस में होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितने भी नोड्स होंगे उनके नीचे इस तरह से कुछ हमें लाइन खींच लेनी है, नीचे अगर प्री है तो इस तरफ और पोस्ट है तो इस तरफ से लाइन खींच लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जो ये लाइन आ रही है जिस नोड को ऐसे काटी उसको हम लिख लेंगे इन ऑर्डर में। तो 1 को काटी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 को लिख लिया, फिर क्या किया, आगे बढ़े तो हम यहाँ पे 4 को काटी तो हम आगे क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 को काटी, फिर 8 को, फिर इसी प्रकार 10 को, फिर 11, फिर यहाँ पे क्या है कि 12 को काटी, फिर 15 को काटी, और फिर हम अपने एग्जिस्ट पॉइंट पे आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 को काटी, 4 को, फिर 7 को, 8 को, 10, 11, 12 और 15। इस प्रकार से हमने सारे नंबर्स को लिख लिया। अब हमें डिलीट किसने करना है, 7 को डिलीट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। 7 को पॉइंट आउट करने का मतलब है कि इसको पॉइंट आउट किया। अब इसके बाद इसका प्रीसेसर या सक्सेसर, मतलब एक नोड पहले या बाद को हम देखेंगे, 4 या 8 को, या तो 8 से हम इसको रिप्लेस करेंगे डिलीट करने के बाद, या तो 4 से। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप होगा कि स्टेप जो थर्ड होगा हमारा, वो क्या कहता है कि रिप्लेस द नोड। रिप्लेस किससे करेंगे नोड्स को, रिप्लेस द नोड 4 और 8, 8 या 4 से इसको क्या करेंगे, डिलीट करने के बाद रिप्लेस। अब जब हम डिलीट कर दिए, इसके प्रीसेसर या सक्सेसर किसी एक नोड से हमको इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना, चाहे हम 4 से रिप्लेस करें चाहे 8 से। अब अगर हमारी नई बाइनरी ट्री जो क्रिएट हो रही है कुछ इस तरह से क्रिएट होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 था, 7 हमारा डिलीट हो गया, इसको हमने माना कि हमने 4 से प्रीसेसर से रिप्लेस कर दिया, इधर 1 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 12, और फिर यहाँ पे 11 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 15, और इस प्रकार से हमारी नई बाइनरी ट्री क्रिएट हो गई। नई बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि एक रूट नोड को डिलीट कर दिया। अब अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे अगर हमें 10 को डिलीट करना है, सपोज कर लीजिए कि अगर 10 पे डिलीट करना है,
तो हम इन ऑर्डर ट्रवर्सल निकालेंगे, जो इन ऑर्डर ट्रवर्सल होगा 1, 4, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 15, मतलब इसका प्रोसेसर 8 होगा या 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिलीट करेंगे या तो 8 से रिप्लेस कर देंगे या फिर 11 से रिप्लेस करेंगे, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नोट्स क्रिएट हो जाएंगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।